सुबह सुबह शौशी नींद में फेंग की चेस्ट को दबाने लगती है, जो कि उसकी पुरानी आदत थी। फेंग तो डर ही जाता है ऐसे अचानक से उसे बिस्तर पे पाके। शौशी उससे हार्मोनल एलिमेंट्स मांगती है, पर फेंग भला क्यों उसे देता, वो उसे डॉक्टर दिखाने की बात करता है। फेंग को समझ में नहीं आ रहा था वो अंदर कैसे आई थी। अब शौशी उसकी पत्नी थी तो उसका तो हक बनता था कभी भी अपने पति के कमरे में आना, पर ये बात फेंग को कौन समझाता। शौशी के जाने के बाद फेंग जियान से शौशी के बारे में जानने के लिए बोलता है। उसे तो भूलने की बीमारी थी ना, इसीलिए वो अपने पास्ट के रिश्ते से उसके बारे में जानना चाहता था कि वो आखिर थी कौन, क्या सच में उसके साथ उसका कोई रिश्ता था। जाते वक्त शौशी के पैर के नीचे शोभू पड़ती है, उससे और चला नहीं जा रहा था, उसकी एनर्जी लॉस होती जा रही थी। बाद में वो अपने सिस्टम में जब कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करने जाती है तब शौशी उसमें आज का डेट 2018 देखती है। वो शुभू से कहती है उसके सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई है, वो गलत टाइम दिखा रही है। पर चारों तरफ देख के उसे समझ में आता है सच में वो दोनों 2018 में आ गए थे, गलती से वो 2021 की जगह 2018 साल में आ गए थे। वहाँ फेंग अपनी हिस्ट्री चेक करता है पर वहाँ शौशी का कोई रिकॉर्ड नहीं था। कैसे मिलती, अभी तक तो वो उससे मिला ही नहीं था, वो तो एक साल बाद उससे मिलने वाला था। वहाँ शौशी शुभू को लेके एक रेस्टोरेंट आती है, वो एक बर्फ वाला पानी ऑर्डर देती है। बर्फ पानी आते ही शौशी समय को रोक देती है और शुभू को इसमें बिठा देती है। एनर्जी पाते ही शुभू फिर से अपनी इंसानी रूप में आ जाती है। शौशी फिर से समय को चालू कर देती है। उधर अचानक से शुभू को देख के घबरा जाती है। उधर इनके सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी, यहाँ पे उनका कोई काम नहीं था क्योंकि 2018 में हार्मोन डेवलप ही नहीं हुई थी और अपने प्लैनेट पे जाने के लिए इनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। उनके पास कुछ भी नहीं था जिससे वो अपने प्लैनेट पे सिग्नल भेज पाए। शौशी के पास बस एक अंगूठी थी जिसमें वो हार्मोन कलेक्ट करने वाली थी, पर अब इसका भी कोई काम नहीं था। पर शुभू उसे देख के कहती है इसमें ऑलरेडी कुछ हार्मोन्स कलेक्ट हुई थी और इसके ज़रिए वो फिर से अपने घर जा सकते हैं, पर इसके लिए उन्हें और भी ज़्यादा हार्मोन्स चाहिए। शौशी को पता नहीं था कब उसके अंदर हार्मोन्स कलेक्ट हुए थे। ध्यान से सोचने पे उसे ख्याल आता है फेंग लेंग के पास से वो हार्मोन्स कलेक्ट हुई थी। शुभू कहती है उसे पृथ्वी के लड़कों से हार्मोन्स कलेक्ट करनी चाहिए। तभी वहाँ कुछ लड़के आ रहे होते हैं और शौशी अपने नाक पे हाथ रख के उनके पास जाती है। वो कोशिश करती है उनसे हार्मोन्स कलेक्ट करने की, पर उनसे तो कुछ बाहर ही नहीं आ रहे थे। वो उन्हें हंसाने की कोशिश करती है, एक्साइटेड करने की कोशिश करती है, फिर भी कुछ नहीं हो पाता। तब वो बाहर आके किसी को भी एक्साइटेड करने की कोशिश करती है, पर लोग उसे पागल समझते हैं। ओनर को लगता है वो दोनों दूसरे दुकान के स्पाई थे जो उसके कस्टमर्स को भगाने आए थे। वो उन्हें उनके लिए काम करने को बोलती है, पर ये दोनों तो बिना पैसे दिए ही जाने लगती है। पैसे मांगने पे शौशी उन्हें 2 स्टोन देती है, फिर तो उन्हें बर्तन धोने पड़ते हैं। शौशी को समझ नहीं आ रहा था वो हार्मोन्स क्यों नहीं कलेक्ट कर पा रही थी। शुभू उससे पूछती है पिछली बार उसने कैसे फेंग से कलेक्ट किया था। शौशी सोचने लगती है, फिर शुभू को लेके वहाँ से गायब हो जाती है। ये वाला सीन देख के ओनर बेहोश हो जाते हैं। दोनों फेंग को ढूंढते हुए यहाँ आते हैं। फेंग के आने पे शुभू थोड़ा रेस्ट लेने जाती है और शौशी फेंग को एक्साइटेड करने के लिए फिर से ऊटपटांग हरकत करने लगती है। फेंग पे तो उसका कोई असर नहीं पड़ता। वो जाने लगता है तो उसकी तरफ एक गाड़ी आने लगती है। शौशी जल्दी से समय को रोक के फेंग को वहाँ से हटा देती है और फिर से दोनों के करीब आने पर फेंग के अंदर से हार्मोन निकलने लगती है। शौशी का तो मन नहीं था फेंग को छोड़ने का, पर इतनी भारी इंसान को वो भला कब तक ही पकड़ पाती। फेंग के अंदर से शौशी को फिर से वो पागल कर देने वाली खुशबू आने लगती है और शौशी भी उसे पागलों की तरह सूंघने लगती है। फेंग उसे हटा देता है, फिर भी वो उसे सूंघना नहीं छोड़ती। वो उसे पुलिस में देने की बात करता है, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शौशी उसे सूंघती ही जाती है।
फिर फैंग शाओशी को ऐसे पकड़ के पुलिस में कॉल करने जाता है, पर शाओशी उसका फ़ोन मैजिक से गिरा देती है और वहाँ से भाग जाती है। यूँ अचानक से उसके हाथ से फ़ोन इतनी दूर जाके गिरती है तो बेचारे को तो डर लगेगा ही ना, तो वो उस फ़ोन को पकड़ने में बहुत डर रहा था। वो पैर पहले तो वो उस पैरों से देख रहा था, चेक कर रहा था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना उस फ़ोन पे। इतने सिक्योरिटी के बाद भी शाओशी के अंदर आने पे फैंग अपनी सेक्रेटरी से कहता है सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को, मतलब उनको उनको जॉब से निकाल देने के लिए कहता है। शाओशी को लग रहा था फैंग के अंदर जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ थी उनके चेंजेस के दौरान उसके अंदर से हार्मोन्स निकल रहे थे। शुभो अपने सिस्टम में फैंग का फिज़िकल एक्टिविटीज़ चेक करती है और मतलब जो फैसला होता है वो ये था कि फैंग को किसी भी तरह से एक्साइटेड करना है। उसके हार्ट बीट अगर फास्ट हो जाते हैं, अगर वो ज़्यादा एक्साइटेड हो पड़ता है, तब शायद उसके अंदर से वो हार्मोन्स निकल सकते हैं। वो दोनों तभी फैंग के ऑफिस में उसको एक्साइटेड करने के लिए जाती है, मगर वो दोनों उस ऑफिस की एम्प्लॉय ना होने की वजह से उन्हें अंदर ही नहीं आने दिया जाता। फिर दोनों बैठे बैठे सोचने लगते हैं अब उन्हें क्या करना चाहिए। फिर सुबह के दिमाग में दो आइडियाज़ आते हैं। पहला, उन्हें फैंग के नेबर्स बन जाना चाहिए, इससे फैंग को एक्साइटेड करने में उन्हें ज़्यादा आसानी होती। और दूसरा, यहीं पे बैठ के फैंग का ऑफिस में आना और उसका ऑफिस से बाहर जाना, इसके लिए इंतज़ार करना होगा। तो यहाँ पे बैठ के फैंग के लिए इंतज़ार करने का आइडिया शाओशी को बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं लगती, इससे अच्छा था उसका नेबर बन जाना। फिर दोनों ऐसे सर सवर के फैंग के अपार्टमेंट चले आते हैं। रिसेप्शन में कोई नहीं होता, इसलिए शुभो को एक मौका मिल जाता है कंप्यूटर में उनका नाम रजिस्टर करने की। फिर जब मैनेजर आता है तब उनका नाम बोलने पे कंप्यूटर पे मैनेजर को उनका नाम ठीक ठाक से दिखने को मिलती है, तो उन्हें भी बहुत आसानी से चाबी मिल जाती है रूम की। इतना अच्छा, इतना बढ़िया एक रूम मिल जाने पे दोनों ही बहुत खुश थे, और बेडरूम आके तो वो दोनों और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इतना अच्छा कंफर्टेबल एक बेड मिला था उन्हें। इन्होंने तो रूम का हिस्ट्री चेक नहीं किया था, बस ऐसे ही रैंडमली कोई भी एक रूम ले लिया था। अब जो इस घर की ओनर थी, जो इस घर में रहती थी, वो अब टाइम पे आ जाती है। फिर ये दोनों पता नहीं क्या सोच के उस ओनर को ही सावधानी से मारने जाने लगते हैं, पर वो ओनर और कोई नहीं बल्कि वो उस रेस्टोरेंट की ओनर होती है। वो दोनों देखते ही उसे देखते ही वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, पर ओनर उन्हें मतलब रोक लेती है। वो दोनों तो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे थे, पर ओनर शाओशी को गले लगा लेती है। उन्हें लग रहा था शाओशी उनकी दोस्त की बेटी थी, वो तो उन्हें अपने साथ ही रखने वाली थी, क्योंकि उनके दोस्त ने उसे कहा था उनकी बेटी वहाँ जा रही है, तो वो ज़रा उनकी बेटी का ख्याल रखे। वो तो सुबह के लिए उनसे माफ़ी भी मांगती है। ओनर उन दोनों को अपने रेस्टोरेंट की हर चीज़ फ्री में उन्हें खिलाना चाहती थी, पर शाओशी उनका एडवांटेज नहीं लेना चाहती थी, तो वो दोनों उनका हेल्पिंग हैंड बनने की बात करती है। खाते खाते शाओशी को अचानक से फैंग का ख्याल आता है, तो वो ज़रा पड़ोसी की खातिरदारी करने चली आती है, पर फैंग तो उसके मुंह पे दरवाज़ा दे देता है। आज का प्लान तो फेल हो गया था, इसलिए वो दोनों कल का प्लान बना रहे थे। इनका प्लान था फैंग को डरा के एक्साइटेड करेंगे, तो ये लोग भूत बन के चले आते हैं। फैंग थोड़ा थोड़ा डर भी रहा था, पर जब ये इन दोनों को देखता है तब कॉस्प्ले समझ के बोरिंग कह के चला जाता है वहाँ से। मतलब उनका प्लान फेल हो जाता है। वो दोनों दोबारा कोशिश करते हैं, पर दूसरी बार भी उनका प्लान फेल हो जाता है। अगले दिन शाओशी ओनर को इस चेयर पे बैठे हुए देखती है, तो उसके पूछने पे वो कहती है उनको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, पसीना आता है, टेम्परेचर बढ़ती है, तो वो शाओशी को भी ट्राई करने के लिए बोलती है। शाओशी जब उस पे बैठती है तब वो सच में अंदर का टेम्परेचर बढ़ता हुआ पाती है और उसको थोड़ा थोड़ा पसीने भी आने लगते हैं। तब वो और शुभु सोचती है कि शायद इस चेयर से फैंग को एक्साइटेड फील करवाया जा सकता है, तो वो डिलीवरी के नाम पे फैंग के ऑफिस चली आती है उस चेयर को लेके।
फैंग तो उसे देख के ही गुस्सा हो जाता है, पर शौशी को इससे क्या, उसे तो अपना काम करना होता है। वो फैंग को ज़बरदस्ती उस चेयर पे बिठा देती है। फैंग उठने की बहुत कोशिश करता है, पर शौशी का जो ताकत था वो फैंग से कई ज़्यादा थी, तो फैंग उसे मतलब उसे हरा ही नहीं पा रहा था, वो उठ ही नहीं पा रहा था। शौशी उसको मतलब एकदम कस के पकड़ के बैठी थी, कस के पकड़ के रखी थी। फिर फैंग उसे ज़ोर से खींच के अपने गोद पे बिठा लेता है और तब शौशी का हाथ उसके चेस्ट पे पड़ती है, और फैंग के चेस्ट पे पड़ते ही शौशी फिर से पागल हो जाती है। वो उसके चेस्ट को मतलब उसे उसको पकड़ना ही होता है उसके चेस्ट को। फैंग बहुत कोशिश करता है उसे दूर हटाने की, पर शौशी को कौन भला हटा सकता था, उसको तो बहुत मज़ा आता था फैंग के चेस्ट को पकड़ के। ऐसे में फैंग का असिस्टेंट आ जाता है, और पता नहीं उसके आते ही फैंग के अंदर शौशी को हटाने का शक्ति कहाँ से आ जाता था। फिर शौशी और क्या करती, वो अपना चेयर लेके वहाँ से चली जाती है।